हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेफ्स की। शेफ जो कि हमारा सेकंड एलिमेंट है आर्ट का। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लाइंस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आर्ट का। उन्हीं लाइंस से मिला के हम बनाते हैं शेप्स। अगर आपका लाइन वर्क अच्छा है तो शेप भी आपके अच्छे ही होंगे। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये कुछ बेसिक शेप है जिसके बारे में आप सबको पता ही है। आपका लाइन वर्क अच्छा होगा, शेप्स अच्छे होंगे तो आप किसी भी ड्राइंग को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ड्राइंग करना आपके लिए इजी होगा। अब हम कुछ शेप्स को यूज़ करके ड्राइंग करते हैं। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब क्या है वो सब एक प्रॉपर शेप में है। घर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक प्रॉपर शेप में है। जितने भी फ्रूट्स हैं वो प्रॉपर शेप में है। जितने भी घर में ऑब्जेक्ट हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप में ही मिलेंगे सब कुछ। तो अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आपको लाइन वर्क अच्छा होना चाहिए, और लाइन वर्क अच्छा है तो आपका जो शेप्स हैं वो प्रॉपर होंगे। अब विथ हेल्प ऑफ लाइन्स एंड शेप्स, जैसे मैंने सर्कल बनाया है, ये इसमें ड्रॉ करा है। अब आप इसको आइडेंटिफाई करना कि मैं क्या बना रहा हूँ। स्लांटिंग लाइन, कर्व। अब ये लाइन से हमने एक शेप बना दिया। इसमें देखिए आप, एक सेमी सर्कल दिख रहा है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे कुछ कर्व्स है, तो एक ये शेप हो गया। इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, ओवल शेप, और कुछ ऐड कर देते हैं, अगेन ओवल शेप, zigzag line, then slanting line, opposite slanting line, और बीच में इस तरह से zigzag। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा, जैसे ये हो गया मैंगो, यहाँ पे ऑरेंज, ये हो गया वाटरमेलन, और ये पाइनएप्पल। तो ये बेसिक शेप्स के थ्रू ही मैंने यहाँ पे बनाए। अगर आपका शेप्स अच्छे होंगे तो ड्राइंग ऑटोमेटिक अच्छी बनेगी। कुछ और ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड कर्व। अब बीच में हमने सर्कल ड्रॉ कराए, और सर्कल के साथ हमने ऐड करा यहाँ पर कुछ लाइंस को। मैक्सिमम यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कर्व लाइन है, तो ये हमारा एक बन गया है फ्लावर पॉट। तो ये हमारा फ्लावर वाज बन गया विथ हेल्प ऑफ शेप्स। तो अगर आपका लाइन वर्क और आपके शेप्स अच्छे हैं तो आपकी ड्राइंग्स अच्छी ही बनेगी। लेकिन क्या करना होगा उसके लिए, आपको प्रैक्टिस। अगर लाइन वर्क अच्छा है, प्रैक्टिस है आपकी, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें थोड़ा सा हम कलर करके देख लेते हैं। कलर करने के बाद ये ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे। इसे मैं करूँ ग्रीन कलर। मेरे पास अभी पेंसिल कलर है, पेंसिल कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बीच में रेड कलर,
इसे थोड़ा सा आउटलाइन कर देंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो ये ऑब्जेक्ट में हमने कलर कर दिया, तो कलर करने के बाद थोड़ा सा और ये अच्छा दिख रहा है। तो इस वीडियो में हमने आज सीखा है शेप्स, तो आपको इन बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करना है और शेप्स के थ्रू इस तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाना है। घर में काफ़ी चीज़ें आपके घर में रखी होती है, ठीक है, उसको आपको सामने रख के और उसको ड्रॉ करना है, जिसे बोलते हैं स्टिल लाइफ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप घर में रखा हुआ है जो अवेलेबल है घर में, उसे सामने रखें और उसको आप ड्रॉ करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।